कश्मीर वैली फूड ग्रोवर्स काउंसिल यूनियन ने इस वजह से दिया है कि हमारी रूट से लदी हुई गाड़ियों को नेशनल हाईवे पर पिछले 10-15-20 दिन से खामखा रोका जा रहा है। अगरचे इसके एडवाइजरी गवर्नमेंट ने दी है कि फूड से लदी हुई गाड़ियों को बिना किसी रूट के ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने दिया जाए, मगर अमलन हमने ऐसा देखा नहीं है। इस वजह से हमने एहतियाजन हम खुद रामबन तक भी गए, हमने खुद देखा कि हमारी हज़ारों गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं, जो कई 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 गाड़ियां उसमें 10 दिन से, कई 8 दिन से, कोई 6 दिन से। चूँकि इस वक्त भारत में त्योहारों का मौसम है, दिवाली आने वाली है, दशहरा है, नवरात्रे हैं, फिर इसमें इसके बाद है छठ पूजा है, इसमें काफ़ी लागत होती है फ्रूट की वहाँ। तो ऑलरेडी हमारी जो फ्रूट की पोजिशन ये थी कि बहुत कम रेट मिल रहे थे, जब ये माल हमारा रोका गया हाईवे पर तो इसमें हमारा माल वहाँ बॉइल होकर पहुँच जाता है, दागी होकर पहुँच जाता है। जब 5-6 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी इसमें जो भी मौजूद माल है वो बॉइल होता है और दागी होकर उन मंडी में पहुँच जाता है। इसे फूड इंडस्ट्री को भी नुकसान है, हमारे ग्रोवर साल भर मेहनत करते हैं, किसी के पास 1 गाड़ी होती है, किसी के पास 2 गाड़ी है, किसी के पास 4 गाड़ियाँ होती है, अगर वो रास्ते में फंसी तो उसका साल भर का गुजारा कैसे होगा। मंडी में 4-5 दिन हो गए, काफ़ी परेशान है, सेब भर जाएगा तो गाड़ी उधर रोड से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, नहीं तो कानबाई खुल रही, बताओ कैसे क्या करें, अगर खुल भी जाएगी तो इधर से तो भेज देंगे, उधर कानबाई में माल सड़ जाएगा, सड़े भाड़ा भी उड़ जाएगा, बताओ कैसे क्या समाधान होगा अब इसका। अब आप क्या चाहते? गवर्नमेंट से यही चाहते जी, रोड को सही तरीके से क्लियर करके दो और ठीक से ठीक बढ़िया से बढ़िया रहे, जो क्लियर रोड रहे तो माल बच जाएगा, सेफ एंड साउंड पहुंच जाएगा। और 5-5, 6-6 दिन इधर लग रहे हैं, उसके कारण 5-6 दिन लग रहे हैं, तो बताओ इधर ही कानबाई में 6-6, 7-7 दिन लग जाएंगे तो माल कैसे पहुंचेगा। ड्राइवर बोल रहा है कि कुछ पैसा दो तो हम गाड़ी निकाल देंगे तेरा, वो ड्राइवर को रास्ता मालूम नहीं है, वो डर रहा है, वही पर पड़ा हुआ है ड्राइवर। तो अभी की तरफ उसको अभी आशा मिल रहा है कि कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे, करते करते 8 रोज हो गया उसको, अभी वो रो रहे, बोल रहे कि माल वापसी ला रहे हैं, तो उसे कितना बहुत लंबा नुकसान होगा, पूरे पूंजी खत्म हो जाएगा। तो क्या सरकार से आप रिक्वेस्ट करोगे? सरकार से यही बोल रहे हैं कि गाड़ी छोड़ दिया जाए, नहीं तो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चार दिन हो गया गाड़ी लेके श्रीनगर मंडी में बैठे हुए हैं, गाड़ी तो खाली हो गया, अभी लोड करना है, लेकिन लोड करने के लिए अभी माल नहीं मिल रहा है, जहाँ पे रास्ता ब्लॉक हुआ है 3-4 दिन, जो हमारा गाड़ी गया हुआ है पंजाब को माल लेके जहाँ से, वो भी आज 5-5-6 दिन हो गया कानवाई में फंसा हुआ है, और बोले आगे से रास्ता ब्लॉक है, कानवाई भी छोड़ते तो ये लोग 10-20 गाड़ी छोड़ के अभी फिर बंद कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग जहाँ से, अगर माल लोड किया जहाँ से तो फिर रास्ते में हम लोग फंसे रहेंगे, तो आगे जाके फिर बारी बोलता है कि आपको भाड़ा कैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। 15 दिन में एक गेड़ा लग रहा, 15 दिन में गाड़ी जो है वो पंजाब में पहुंच रहा है, जिस जगह का माल है वहां पहुंचता है, उसके बाद में बारी हमारे ऊपर गर्म होता है कि तुम लोग कितना दिन लगा के आए, तो रास्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा है तो वो बारी को भी मालूम है, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे साथ झगड़ा करते हैं, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए, इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए और रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो माल टाइम पे पहुंचेगा, तो टाइम पे हमको भी भाड़ा मिलेगा।